हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल पंकज साइंस वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द मटेरियल्स वी यूज। इस चैप्टर को हमने पिछले वीडियो से शुरू किया है, तो आज के इस वीडियो में जो है हमें डिटर्जेंट के बारे में पढ़ना है। टुडे वी हैव टू स्टडी अबाउट द डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? डिटर्जेंट्स जो है वो हमें पता है, डिटर्जेंट्स दे आर यूज टू रिमूव द डर्ट्स फ्रॉम अवर क्लोथ्स। हमारे कपड़े से जो है डर्ट्स साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। सोप इज ऑल्सो द टाइप ऑफ डिटर्जेंट। सोप जो है वो भी डिटर्जेंट ही है। तो इनका इस्तेमाल हमारे शरीर से और हमारे कपड़ों से गंदगी जो है वो निकालने के लिए इनका काम किया जाता है। हाउ द डिटर्जेंट वर्क। तो डिटर्जेंट ए गंदगी हमारे कपड़ों से और हमारे बॉडी से कैसे निकालती है? सिर्फ पानी जो है वो हमें हमारे कपड़े को साफ नहीं करती है जब तक हम डिटर्जेंट या सोप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हम कपड़ों को डिटर्जेंट और सोप लगाते हैं तभी जाके हमारे कपड़ों से गंदगी निकलती है। ऐसा क्यों होता है? व्हाई, व्हाट इज इन द डिटर्जेंट एंड हाउ द डिटर्जेंट वर्क, यही बात हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस माय चैनल देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट वर्ड कहां से आया बच्चों? द डिटर्जेंट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन नेम डिटरगिरी। डिटरगियर। तो डिटरगियर इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? टू वाइप अवे। टू वाइप अवे। तो टू वाइप अवे मीन्स डिटर्जेंट क्या करता है? हमारे कपड़ों को साफ करता है। टू वाइप अवे यानी कि साफ करना उसे। तो डिटरगियर लैटिन में डिटरगियर का अर्थ है वाइप अवे, साफ करना। तो उसी से डिटर्जेंट ये शब्द जो है वो यूज किया गया है। तो डिटर्जेंट क्या होता है बच्चों? डिटर्जेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच क्लींस और वाइप अवे द डर्ट। तो डिटर्जेंट क्या होता है? द डिटर्जेंट इज अ सब्सटेंस व्हिच क्लींस और वाइप अवे द डर्ट। डिटर्जेंट यह पदार्थ होता है कि जो हमारे कपड़ों से या हमारे बॉडी से गंदगी जो है उसे साफ करता है। आ गए समझ में? तो डिटर्जेंट कौन कौन से हैं? इन द ओल्डन डेज द पीपल्स वेयर यूज द सोप पॉड, जिसे हम रीठा कहते हैं, देन सोप नट, जिसे हम सिक्का कई कहते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो सोप पॉड और सोप नट यानी कि रीठा और सिक्का कई, ये एक प्रकार के डिटर्जेंट है। दीज आर नेचुरल डिटर्जेंट। ये नेचुरल डिटर्जेंट है। अगेन द सोप, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, लिक्विड सोप, शैम्पू, ऑल आर द डिटर्जेंट। ये सभी डिटर्जेंट है क्योंकि ये जो है डर्ट को साफ करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें डिटर्जेंट कहते हैं। अब डिटर्जेंट क्या करता है और डर्ट कौन से फॉर्म उसमें होते हैं? यूजुअली वी नो दैट द डर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ऑयल। जो डर्ट जो है वो क्या होती है? ऑयली होती है। गंदगी जो है ऑयली होती है। एंड वी नो दैट द ऑयल्स आर इमिसिबल इन वाटर। ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होता है, इसी की वजह से वाटर जो है इट इज नॉट सफिशियंट टू रिमूव द डर्ट फ्रॉम हमार क्लोथ्स एंड बॉडी। तो वाटर ये सफिशियंट नहीं होता है हमारे कपड़ों को साफ करने के लिए, क्योंकि ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं होता और डर्ट जो होती है वो ऑयली फॉर्म में होते हैं। तो डिटर्जेंट क्या करता है बच्चों? डिटर्जेंट हेल्प्स टू मिक्स द ऑयल इन वाटर। ऑयल जो है वो वाटर में इमिसिबल है, उसे वाटर में मिसिबल यानी कि वाटर में सोल्यूबल जो है वो ऑयल हो जाती है, इसकी वजह से डिटर्जेंट। तो ये कैसे होता है? इसके लिए एक एक्टिविटी आपको करना है। आप घर पे इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। ये सिंपल एक्टिविटी है। क्या करना है आपको? यू हैव टू टेक वन बॉटल। आपको क्या करना है? एक जो है ग्लास बॉटल लेनी है। यू रिक्वायर सम वाटर, देन ऑयल एंड डिटर्जेंट। इतनी चीज़ें चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके घर में है। कांच की बॉटल आपके घर में है, पानी तो घर में है, थोड़ा सा ऑयल आपको लगेगा और डिटर्जेंट आपको घर में अवेलेबल है। आपको क्या करना है? यू हैव टू पोर आर एड सम ऑयल इन अ बॉटल। बॉटल के अंदर थोड़ा पानी लेना है। देन एड सम ऑयल टू इट। अब इसके ऊपर क्या डालना है? थोड़ा सा ऑयल डालना है। देन वी नो दैट द ऑयल
इट फ्लोएट्स ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, ऑयल की डेंसिटी कम होने की वजह से ऑयल जो है वाटर के ऊपर तैरता है. देन यू हैव टू शेक द बॉटल विगरसली, बॉटल को विगरसली उसे शेक कीजिए, और शेक करने के बाद आप जानेंगे. और देन अलाउ द बॉटल टू रिमेन्स एज इट इज, आफ्टर सम टाइम्स द लिक्विड्स इन द बॉटल सेटल एंड अगेन द ऑयल इज सीन टू बी फ्लोएटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. तो उसको सेक करने के बाद थोड़ा थोड़ी देर मिक्स होते हुए आपको दिखेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही बॉटल को हम रखेंगे तो अगेन वाटर जो वाटर के ऊपर हमें ऑयल दिखाई देता है. नाउ यू हैव टू ऐड द लिक्विड्स ऑफ सोल्यूशन और सोल्यूशन ऑफ द डिटर्जेंट ऑन इट. अब इसके ऊपर आपको क्या करना चाहिए, डिटर्जेंट जो इसका थोड़ा सा सोल्यूशन बना दीजिए और उस सोल्यूशन को इसके ऊपर आपको डालना है. अब देन यू हैव टू शेक द बॉटल विगरसली. अब बॉटल को पुनः आपको क्या करना है, सेक करना है, जोर से सेक करना है. एंड यू कैन सी दैट नाउ द वाटर एंड ऑयल फॉर्म्स द होमोजीनियस मिक्सचर, दैट इज ऑयल गेट मिक्स इन द वाटर एंड द कलर ऑफ द सोल्यूशन इट बिकम्स मिल्की. और सोल्यूशन का कलर जो है मिल्क की तरह हो जाता है, थोड़ा सा फेस भी उसके ऊपर तैयार हो जाएगा. और अब आपको ऑयल और वाटर अलग अलग नहीं देखेंगे, ऑयल पानी के अंदर मिक्स हो जाता है. और यही डिटर्जेंट करता है कि जो डर्ट हमारे कपड़ों के ऊपर ऑयल फॉर्म में होती है उसको वाटर सोल्यूबल बनाता है, और वाटर सोल्यूबल बनने की वजह से वो डर्ट हमारे कपड़ों से निकलती है. अब देखिए व्हाई डज दिस हैपन, तो ये कैसा क्यों होता है, व्हाई डज दिस हैपन, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स आर लॉन्ग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डिटर्जेंट्स टू एंड्स ऑफ द डिटर्जेंट्स आर डिफरेंट. और वाटर डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल जो है वो लंबे होते हैं और इसके दोनों एंड की प्रॉपर्टीज अलग होती है. वन ऑफ द एंड इट कैन होल्ड द वाटर एंड अदर एंड इट हेल्ड्स द डर्ट. आगे समझ में, एक एंड जो है वो क्या करता है, पानी को पकड़ के रखता है, और दूसरा एंड जो है वो हमारे डर्ट यानी कि ऑयल को पकड़ के रखता है. एंड दिस इज व्हाई द ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड विद ईच अदर. आगे समझ में, तो अब ये जो मॉलिक्यूल है एक शोर से वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और दूसरे शोर से ऑयल को पकड़ेगा, तो ऑयल जो है वो वाटर में मिक्स हो जाता है, और यही काम जो है डिटर्जेंट करता है. एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी वॉश आवर सेल्फ और वॉश आवर क्लोथ्स द डर्ट्स आर रिमूव्ड. जब हम हमारे बदन को साफ करते हैं या कपड़ों को साफ करते हैं, सॉइली क्लोथ जो इसे साफ करते हैं, तो उस दौरान यही होता है. वी नो दैट द ऑयल्स द डर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑयल, डर्ट जो है ऑयल फॉर्म में होता है. एंड आवर क्लोथ्स becomes oily due to the many reasons, due to the applying of gels, applying of creams, then oiling our hairs and body. तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने की वजह से हमारे कपड़े जो है वो क्या हो जाते हैं, oily हो जाते हैं, they becomes oily. And the soap is used to remove this dirt, to remove this oily dirt. Because of the property of this water, soap of water, the water of soap has the property to hold the oil and water both, and due to this the water of soap is spread on many surfaces. और इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, soap water जो है हमारे कपड़ों के ऊपर या हमारे body के ऊपर spread हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे body से oil जो है वो dirt जो है वो बाहर निकलती है. And this property of substance of spreading ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एज सर्फेस एक्टिविटी. और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं बच्चों, सर्फेस एक्टिविटी. आगे समझ में, तो सर्फेस एक्टिविटी क्या है, तो सोप वाटर की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी पदार्थ जो है इसके ऊपर जो है वो स्प्रेड हो जाता है, और स्प्रेड होने की वजह से एक एंड ऑयल को निकालता है, एक एंड वाटर को पकड़ता है, और इसकी वजह से डर्ट जो है वहां से बाहर निकलती है. एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सर्फेस एक्टिविटी. सर्फेस एक्टिविटी मीन्स टू स्प्रेड ऑन सर्फेस. एंड द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सर्फेस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज सर्फेक्टेंट. और जो सब्सटेंस स्प्रेड होता है उस पदार्थ को क्या करते हैं, सर्फेक्टेंट. द डिटर्जेंट्स आर सर्फेक्टेंट. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ द
दिस सरफेस एक्टिविटी इज द फॉर्मेशन ऑफ लेदर। लेदर जो है, लेदर यानी कि फेस या झाग जो है वो तैयार होता है। जब भी हम साबुन का या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, बाल्टी के अंदर डिटर्जेंट डालेंगे और उसे हम थोड़ा सा सेक करेंगे तो वहाँ पे लेदर तैयार होता है, फेस तैयार होता है, झाग तैयार होता है। तो ये झाग जो है सरफेस एक्टिविटी की वजह से तैयार होता है। आ गया समझ में बच्चों? दिस इज ऑल अबाउट द डिटर्जेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।